धन का रहस्य। मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसे यह हासिल भी कर सकता है। क्लीमेंट स्टोन 1902 से 2002। जैक कैनफील्ड, रहस्य ने सचमुच मेरी जिंदगी बदल दी क्योंकि मेरे पिता की मानसिकता बहुत नकारात्मक थी। वे सोचते थे कि अमीर लोग दूसरों के पेट पर लात मारते हैं और हर दौलतमंद व्यक्ति धोखा देकर ही अमीर बना होगा। इसलिए बचपन से ही पैसे के बारे में मेरे दिमाग में बहुत गलत धारणाएं थीं, जैसे यह कि अगर आपके पास पैसा है तो आप बुरे हैं, क्योंकि सिर्फ बुरे लोगों के पास पैसा होता है और पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। मेरे पिता का एक प्रिय वाक्य था, तुम्हें क्या लगता है मैं रॉकफेलर हूँ? बड़े होते हुए मुझे यकीन था कि जिंदगी मुश्किल है। बहरहाल जब मैं W. क्लीमेंट स्टोन से मिला, तब कहीं जाकर मैंने अपनी जिंदगी को बदलना शुरू किया। जब मैं स्टोन के साथ काम कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक लक्ष्य तय करो जो इतना बड़ा हो कि उसे हासिल करने पर तुम्हारा दिमाग घूम जाए और तुम्हें पता चल जाए कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने तुम्हें उस लक्ष्य को हासिल करने का तरीका सिखाया है। उस समय मेरी सालाना आमदनी लगभग $8,000 थी, इसलिए मैंने कहा मैं एक साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। देखिए, मुझे जरा भी पता नहीं था कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कोई रणनीति, कोई संभावना नहीं दिख रही थी। मैं तो बस यूं ही कह दिया कि मैं इसकी घोषणा कर रहा हूं और मैं इस पर यकीन कर रहा हूं। मैं इसे सच मानकर काम करने जा रहा हूं और मैं इसे ब्रह्मांड में भेजने जा रहा हूं। तो मैंने यह कर दिया। उन्होंने मुझे एक चीज यह भी सिखाई कि मैं हर दिन अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की स्पष्ट मानसिक तस्वीरें देखूं, जैसे वह लक्ष्य हासिल हो चुका हो। तो मैंने $1,00,000 का नोट बनाकर अपने पलंग के ऊपर की दीवार पर चिपका लिया। सुबह उठकर जब मैं ऊपर देखता तो मुझे वहां पर नोट दिख जाता था और मुझे याद आ जाता था कि यह मेरा लक्ष्य है। फिर मैं आंखें बंद कर लेता था और $1,00,000 सालाना आमदनी वाली जीवन शैली की मानसिक तस्वीरें देखने लगता। रोचक बात यह है कि एक महीने तक कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई, मेरे मन में कोई भी चमत्कारी विचार नहीं आया, किसी ने भी मुझे ज्यादा पैसे नहीं दिए। एक महीने बाद मेरे मन में $1,00,000 का विचार आया। यह अचानक ही मेरे दिमाग में आया था। मैंने एक पुस्तक प्रकाशित करने की योजना बनाई। मैंने सोचा अगर मैं अपनी पुस्तक की 4,00,000 प्रतियां बेच सकूं और हर प्रति पर मुझे $0.25 का लाभ हो तो मुझे $1,00,000 मिल जाएंगे। देखने वाली बात यह है कि पुस्तक पहले से ही तैयार थी, लेकिन मेरे मन में पहले कभी यह विचार नहीं आया था। एक रहस्य यह भी है कि जब आपके मन में प्रेरित विचार आए तो आपको उस पर भरोसा करना होगा और काम करना होगा। मैं नहीं जानता था कि 4,00,000 प्रतियां कैसे बिकेंगी। फिर मैंने सुपरमार्केट में नेशनल इंक्वायरर देखा। मैं इसे लाखों बार देख चुका था क्योंकि वहां पृष्ठभूमि में लगा रहता था। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा। मैंने सोचा अगर पाठकों को मेरी पुस्तक के बारे में पता चल जाए तो यकीनन 4,00,000 लोग इसे खरीद लेंगे। लक्ष्य बनाने के लगभग 1.5 महीने बाद मैंने न्यूयॉर्क के हंटर कॉलेज में 600 शिक्षकों के सामने भाषण दिया। भाषण के बाद एक महिला मेरे पास आकर बोली, आपका भाषण बहुत अच्छा था, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, यह मेरा कार्ड। यह बात सुनते ही मुझे पता चला कि वह महिला फ्रीलांस पत्रकार थी और नेशनल इंक्वायरर में लेख लिखती थी। द ट्वाइलाइट जोन की विषय वस्तु मेरे दिमाग में गूंजने लगी, जैसे ओह, यह चीज सचमुच काम कर रही है। यह लेख छप गया और मेरी पुस्तक की बिक्री बढ़ने लगी। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में इन सभी घटनाओं को आकर्षित कर रहा था जिनमें वह पत्रकार भी शामिल थी। लंबी कहानी को संक्षेप में कहा जाए तो मुझे उस साल $1,00,000 की कमाई नहीं हो पाई। हमारी कमाई $92,327 थी, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि हम हताश हो गए और यह कहने लगे कि यह कारगर नहीं है? नहीं, इसके बजाय हम तो यह कह रहे थे यह अद्भुत है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा,
अगर यह तरीका $1,00,000 के लिए काम करता है तो क्या 10,00,000 के लिए भी काम करेगा? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता तो है, हम कोशिश करके देखते हैं। मेरे प्रकाशक ने चिकन सूप फॉर द सोल पुस्तक के लिए जब मुझे रॉयल्टी का चेक काटा तो उन्होंने अपने दस्तखत के नीचे एक स्माइली बना दी, क्योंकि वे पहली बार किसी को $1,00,000 का चेक दे रहे थे। मैं अपने अनुभव से जानता हूँ, क्योंकि मैं इसकी जांच कर चुका हूँ। क्या यह रहस्य सचमुच काम करता है? बिल्कुल करता है। इसने पूरी तरह काम किया और उस दिन के बाद मैं भव्य जीवन का आनंद ले रहा हूँ। रहस्य के ज्ञान और आकर्षण के नियम को जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। यह प्रक्रिया हर उस चीज पर लागू की जा सकती है जिसे आप पाना चाहते हैं। इसमें पैसा भी शामिल है। पैसे को आकर्षित करने के लिए आपको दौलत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन में ज्यादा पैसा पाना असंभव है अगर आपका ध्यान इस तरफ हो कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने दिमाग में ये विचार सोच रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। कम पैसे पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देंगे जिनसे आपके पैसे कम होने लगेंगे। दौलतमंद बनने के लिए आपको धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने विचार से एक नया संकेत भेजना होगा। ये विचार इस तरह के होने चाहिए कि आपके पास इस समय पर्याप्त से ज्यादा है। दरअसल अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें और यह यकीन करें कि आपके पास इस वक्त अपनी मनचाही दौलत है। ऐसा करना बहुत मजेदार होता है। आप ध्यान देंगे कि जब आप दौलतमंद होने का नाटक करेंगे और खेल खेलेंगे तो आप तत्काल पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे, और जब आप पैसे के बारे में ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे तो पैसा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा। चेक की अद्भुत कहानी से प्रेरित होकर द सीक्रेट की टीम ने एक कोरा चेक बनाया जो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecret.tv पर मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। यह कोरा चेक आपके लिए है और इसका भुगतान ब्रह्मांड का बैंक करेगा। आप इसमें अपना नाम, रकम, विवरण भरकर ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। चेक की तरफ देखते समय यह भावना महसूस करें जैसे वह पैसा आपके पास इसी समय मौजूद है। उस पैसे को खर्च करने की कल्पना करें, उन सारी चीजों को खरीदने की कल्पना करें जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं, वे सारे काम करने की कल्पना करें जो आप करना चाहते हैं। महसूस करें कि यह कितना अद्भुत है। जान लें कि वह पैसा आपका हो चुका है, क्योंकि जब आप मांगते हैं तो मिल जाता है। सैकड़ों लोगों ने बताया है कि द सीक्रेट चेक का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत बड़ी रकम हासिल की है। यह एक मजेदार और कारगर खेल है। प्रचुरता को आकर्षित करें। किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने का इकलौता कारण यह है कि वह अपने विचारों द्वारा पैसे को अपने पास आने से रोक रहा है। हर नकारात्मक विचार, भावना या भाव आपकी अच्छाई को आप तक आने से रोक रहा है, और इसमें पैसा भी शामिल है। ब्रह्मांड पैसे को आपके पास आने से नहीं रोक रहा है, क्योंकि आपको जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा अदृश्य में इसी समय मौजूद है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं, और आप ऐसा अपने विचारों द्वारा कर रहे हैं। आपको अपने विचारों के तराजू का झुकाव धन की कमी वाले पलड़े की बजाय पर्याप्त से ज्यादा धन वाले पलड़े की तरफ करना होगा। अभाव के बजाय प्रचुरता के विचार सोचेंगे तो तराजू का झुकाव भी बदल जाएगा। पैसे की जरूरत महसूस होना एक शक्तिशाली भावना है, इसलिए जाहिर है आकर्षण के नियम द्वारा आप पैसे की जरूरत को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। मैं पैसे के बारे में अपने अनुभव से बोल सकती हूँ, क्योंकि रहस्य पता चलने से ठीक पहले मेरे अकाउंटेंट ने मुझे बताया कि मेरी कंपनी को उस साल भारी नुकसान हुआ है और 3 महीनों में यह इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएगी। 10 साल की कड़ी मेहनत के बावजूद मेरी कंपनी मेरी उंगलियों से फिसलने वाली थी।
जब मैंने अपनी कंपनी को बचाने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत महसूस की तो परिस्थितियां और बिगड़ती चली गईं। बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था। फिर मैंने रहस्य खोज लिया और मेरे जीवन की हर चीज, जिसमें मेरी कंपनी की स्थिति भी शामिल थी, पूरी तरह बदल गई, क्योंकि मैंने अपने सोचने का तरीका बदल लिया। मेरे अकाउंटेंट आंकड़ों के बारे में चिंता करते रहते थे और उन पर ही ध्यान केंद्रित करते रहे, लेकिन मैंने अपने दिमाग को प्रचुरता पर केंद्रित रखा और सोचा कि सब कुछ अच्छा है। मैं अपने अस्तित्व के रोम रोम से जानती थी कि ब्रह्मांड मुझे देगा और इसने दिया। इसने ऐसे तरीकों से दिया जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेरे मन में शंका के पल आते थे, लेकिन शंका होते ही मैं तत्काल अपने विचारों को अपने मन चाहे परिणाम पर केंद्रित कर लेती थी। मैंने इसके लिए धन्यवाद दिया, उसकी खुशी महसूस करी और उस पर यकीन किया। मैं रहस्य के बारे में आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ। आप जिंदगी में जो कुछ भी चीज चाहते हैं, उसे पाने का शॉर्टकट इसी समय खुश होना और खुशी को महसूस करना है। मन चाहे पैसे या मन चाहे चीज को जिंदगी में लाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। खुशी और आनंद की उन भावनाओं को ब्रह्मांड में भेजने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने पर आप अपनी ओर उन सभी चीजों को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन में खुशी और आनंद लाती हैं। इसमें न सिर्फ प्रचुर दौलत बल्कि आपकी हर मनचाही चीज शामिल है। आपको अपनी मनचाही चीज पाने का संकेत भेजना होगा। जब आप खुशी की भावनाएं भेजेंगे तो ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज आपकी जिंदगी में भेज देगा। आकर्षण का नियम आपके सबसे अंदरूनी विचारों और भावनाओं को साकार करता है। समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। डॉक्टर जो विटाल, मैं कल्पना करता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे, मैं अपने जीवन में ज्यादा पैसे को कैसे आकर्षित कर सकता हूँ, मैं ज्यादा नोट कैसे हासिल कर सकता हूँ, मैं ज्यादा दौलत और समृद्धि कैसे पा सकता हूँ। हालांकि मैं अपनी नौकरी के काम को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपने क्रेडिट कार्ड के कर्ज से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ, और इस एहसास से कि मेरी आमदनी सीमित है क्योंकि यह तनख्वाह के रूप में ही मेरे पास आ सकती है, और ज्यादा कैसे कमा सकता हूँ, इसका इरादा रखें। हम इस पुस्तक में इस बारे में बहुत सी ऐसी बातें कर चुके हैं। आपका काम यह घोषणा करना है कि आप ब्रह्मांड के कैटलॉग से क्या पाना चाहते हैं। अगर पैसा उन चीजों में से एक है तो यह बताएं कि आप कितना पैसा पाना चाहेंगे। मैं अगले 30 दिनों में अप्रत्याशित रूप से $25,000 पाना चाहूंगा, बस यह आपके लिए विश्वसनीय होना चाहिए। अगर आपने अतीत में अपने मस्तिष्क में यह विचार रखा है कि पैसा सिर्फ तनख्वाह के रूप में ही आपके पास आ सकता है, तो उस विचार को फौरन बाहर निकाल दें। आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में यही विचार साकार हो जाएगा। इस तरह के विचारों से आपका भला नहीं होगा। अब आप यह समझ चुके हैं कि आपके लिए प्रचुरता मौजूद है, और यह पता लगाना आपका काम नहीं है कि पैसा कैसे आपके पास आएगा। आपका काम तो बस इतना है कि आप मांगें, यह यकीन रखें कि आप इसे पा रहे हैं, और इसी समय खुशी महसूस करें। विस्तृत विवरण का काम ब्रह्मांड पर छोड़ दें, वह खुद तय कर लेगा कि इसे आप तक कैसे पहुँचाना है। बॉब प्रॉक्टर, ज्यादातर लोगों को लक्ष्य कर्ज के बाहर निकलना होता है, लेकिन इससे वह हमेशा कर्ज में फंसे रहते हैं। आप जो भी सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हो सकता है आप कहें, लेकिन मैं तो कर्ज के बाहर से बाहर निकलना चाहता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं या इसके अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन यदि आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर्ज को ही आकर्षित करेंगे। कर्ज भुगतान की योजना बना लें और फिर समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बिलों का ढेर है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि आप उनका भुगतान कैसे करेंगे, लेकिन आप उन बिलों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर आप और ज्यादा बिलों को आकर्षित करेंगे। आपको ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे आप बिलों के बावजूद समृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आपको अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा ताकि आपका भला हो सके। जेम्स रे,
लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि मैं अपनी आमदनी अगले साल दोगुनी करना चाहूंगा, लेकिन जब आप उनके काम देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वे ऐसे काम नहीं कर रहे हैं जिनसे उनकी आमदनी दोगुनी होगी। वे हमेशा कहते रहते हैं, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। अंदाजा लगाएं इसका परिणाम क्या होगा। आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। मैं इसको खर्च नहीं करना चाहता, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। जैसे वाक्य मेरे और आपके होठों से गुजरे हों, तो इसे बदलने की शक्ति आपके पास इसी समय है। इसे बदल कर इस तरह से कह दें, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इन वाक्यों को बार बार कहें, तोते की तरह दोहराएं। यह ठान लें कि अगले 30 दिनों तक आप अपनी पसंद की हर चीज की तरफ देखकर खुद से ये कहेंगे कि मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। जब आप अपने सपनों की कार को पास से गुजरते देखें तो कहें, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। जब आप अपनी पसंद के कपड़ों को देखें तो बेहतरीन छुट्टियों के बारे में सोचें तो कहें, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। ऐसा करने पर आप खुद को बदलने लगेंगे और पैसे के बारे में आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप खुद को विश्वास दिलाने लगेंगे कि आप इन चीजों का खर्च उठा सकते हैं, और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी जिंदगी की तस्वीरें बदल जाएंगी। लीसा निकोलस, अगर आप कमी या अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अगर आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको अभाव ही मिलेगा। जब आप अपने परिवार के साथ अभावों पर अफसोस जताते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ उनके बारे में बात करते हैं, जब आप अपने बच्चों को बताते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, हमारे पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, तो आप कभी इसका खर्च नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप अभाव को ज्यादा आकर्षित करेंगे। अगर आप प्रचुरता चाहते हैं, अगर आप समृद्धि चाहते हैं, तो फिर प्रचुरता पर समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। आत्मिक खजाना, जिससे सारी दिखने वाली दौलत मिलती है, कभी खाली नहीं होता है, यह हर समय आपके पास होता है और आपकी आस्था तथा मांगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। चार्ल्स फिलमोर, 1854 से 1948। अब आप रहस्य जान चुके हैं। जब आप किसी दौलतमंद व्यक्ति को देखेंगे तो जान जाएंगे कि उस आदमी के प्रबल विचार कमी पर नहीं दौलत पर केंद्रित हैं, और उसने दौलत को अपनी ओर आकर्षित किया है, चाहे उसने ऐसा सचेतन रूप में किया हो या अचेतन रूप में। उसने दौलत के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया और ब्रह्मांड ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को प्रेरित करके उस तक दौलत पहुंचा दी। जो दौलत उसके पास है, वह उसके पास भी है, वह आपके पास भी है। उसमें और आप में फर्क सिर्फ इतना है कि उसने दौलत लाने वाले विचार सोचे। आपकी दौलत अदृश्य में आपका इंतजार कर रही है, और इसे प्रकट करने के लिए दौलत के बारे में सोचें। डेविड स्कर्मर, रहस्य समझने के पहले हर दिन मुझे डाक में बिलों का ढेर मिलता था। रहस्य समझने के बाद मैंने सोचा, मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ। आकर्षण का नियम बताता है कि आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही आपको मिलेगी। इसलिए मैंने एक बैंक की स्टेटमेंट ली और उसके टोटल पर व्हाइटनर लगाकर वहां एक नया टोटल लिख दिया। मैंने वहां वह रकम लिख दी जो बैंक अकाउंट में मैं देखना चाहता था। फिर मैंने सोचा, अगर मैं डाक में चेक मिलने की मानसिक तस्वीरें देखूं तो क्या होगा। यह विचार आने के बाद मैंने ढेर सारे चेक मिलने की मानसिक तस्वीरें देखी। एक महीने के भीतर ही स्थितियां बदलने लगीं। यह अद्भुत है। आजकल मुझे डाक में बस चेक ही मिलते हैं। जाहिर है कुछ बिल भी मिलते हैं, लेकिन बिल कम आते हैं, चेक ज्यादा मिलते हैं। द सीक्रेट फिल्म रिलीज होने के बाद हमें सैकड़ों लोगों की चिट्ठियां मिली, जिन्होंने बताया कि फिल्म देखने के बाद उन्हें डाक में अप्रत्याशित चेक मिले हैं। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब उन्होंने डेविड की कहानी से प्रेरणा लेकर अपना ध्यान चेक पर केंद्रित किया, तो उन्होंने चेकों को ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बिलों के ढेर के बारे में अपनी भावनाओं को बदलने के लिए मैं एक खेल खेलती थी। मैं यह नाटक करती थी कि बिल दरअसल चेक हैं। मैं खुशी से उछलकर उन्हें खोलती थी और कहती थी, और पैसा आ गया,
धन्यवाद धन्यवाद, मैं हर बिल उठाकर यह कल्पना करती थी कि वह चेक है, और फिर मैं अपने मस्तिष्क में इसके आगे एक और शून्य जोड़ देती थी ताकि राशि और ज्यादा बढ़ जाए। मैं एक नोटपैड उठाती थी और उसके पन्ने के सबसे ऊपर लिखती थी मुझे मिला, और फिर मैं उन सारे बिलों की राशि लिख देती थी जिनके आगे मैंने एक शून्य लगा दिया था। हर राशि के आगे मैं लिखती थी धन्यवाद, और इसे पाने पर कृतज्ञता की भावनाएं महसूस करती थी जब तक कि मेरी आंखों से आंसू नहीं आ जाते थे। फिर मैं हर बिल को दोबारा उठाती थी जो मिलने वाली राशि की तुलना में अब बहुत छोटा दिखता था, और कृतज्ञता से उसका भुगतान कर देती थी। मैं अपने बिल तब तक कभी नहीं खोलती थी जब तक कि अपने भीतर यह भावना नहीं भर लेती थी कि वे चेक हैं, वे बिल नहीं हैं, वे चेक हैं। अगर खुद को यह यकीन दिलाए बिना उन्हें गलती से खोल लेती थी तो मेरे पेट में खलबली मच जाती थी। मैं जानती थी कि मेरे पेट में खलबली की भावना के कारण बिल ज्यादा प्रबलता से आने लगेंगे। मैं जानती थी कि मुझे इस भावना को हटाकर इसकी जगह खुशी की भावनाएं रखनी होंगी ताकि मेरे पास ज्यादा पैसे आ सकें। बिलों के ढेर का यह खेल मेरे लिए कारगर साबित हुआ और इसने मेरी जिंदगी बदल दी। आप भी इस तरह के खेल इजाद कर सकते हैं, अंदर से एहसास जगा सकते हैं। आप फौरन जान जाएंगे कि आपके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी है और किस तरह काम कर रही है। जब आप नाटक करेंगे तो परिणाम तेजी से मिलने लगेंगे। लॉरेल लेंजमेयर, वित्तीय रणनीतिकार, वक्ता और व्यक्तिगत तथा कॉर्पोरेट कोच। मैं इस विश्वास के साथ बड़ी हुई थी कि पैसे के लिए इंसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी होने के बाद मैंने अपने दिमाग में इसकी जगह यह विचार रख लिया, पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। यह शुरुआत में तो यह झूठ जैसा लगता था। ठीक है, आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा कहेगा तुम झूठे हो, यह मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का टेनिस मैच कुछ समय तक चलेगा। अगर आपके मन में ऐसे विचार हों तो पैसा कमाने के लिए मुझे सचमुच बड़ी मेहनत और संघर्ष करना होगा। मैं उन्हें फौरन बाहर निकाल देती हूँ। उन विचारों को सोचकर आपने एक खास फ्रिक्वेंसी भेजी थी और इसी कारण आपको जिंदगी में बुरे अनुभव मिले। लॉरेल लेंजमेयर की सलाह माने और उन विचारों की जगह ये विचार रख लें, पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। डेविड स्कर्मर, पैसा बनाने के विषय में यह जान लें कि दौलत एक मानसिकता है, इसका संबंध इस बात से है कि आप कैसा सोचते हैं। लॉरेल लेंजमेयर, मैं लोगों को जो कोचिंग देती हूँ उसका 80% हिस्सा उनके मनोविज्ञान और सोचने के तरीकों से संबंधित होता है। मैं जानती हूँ लोग कहते हैं ओह आप ऐसा कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। बहरहाल लोगों में धन के साथ अपनी अंदरूनी संबंध और वार्तालाप को बदलने की क्षमता होती है। अच्छी खबर यह है कि जिस पल आप फैसला करते हैं कि आपका ज्ञान आपके बचपन की झूठी धारणाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी पल आप समृद्धि की राह में अपना गियर बदल लेंगे। सफलता बाहर से नहीं भीतर से आती है। रेल्फ वाल्डो इमर्सन, 1803 से 1882। ज्यादा पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको इसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। जाहिर है जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो वे पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, लेकिन ये नकारात्मक भावनाएं ज्यादा पैसे को आपके पास आने से रोक रही हैं। आपको इस चक्र को रोकना होगा, पैसे के बारे में अच्छा महसूस करके और अपने पास मौजूद चीजों के बारे में कृतज्ञ होकर आप इस चक्र को रोक सकते हैं। यह कहना और महसूस करना शुरू करें, मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा पैसा है, धन की प्रचुरता और यह मेरे पास आ रहा है। मैं दौलत का चुंबक हूँ, मैं पैसे से प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पैसा पाने के लिए पैसा दें। पैसा देना अपने जीवन में ज्यादा पैसा लाने की जबरदस्त तकनीक है, क्योंकि यह करते समय दरअसल आप कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, हैरानी की कोई बात नहीं, मैं दुनिया में सबसे दौलतमंद लोगों और सबसे बड़े दानवीर होते हैं
उनके बारे में कहना चाहता हूँ। वे बहुत बड़ी रकम दान देते हैं और इसके बाद आकर्षण के नियम के माध्यम से ब्रह्मांड बदले में उन्हें ढेर सारी दौलत और खजाना प्रदान करता है, और वो भी कई गुना। अगर आप सोच रहे हैं मेरे पास देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, ओह, अब आप जान गए हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे क्यों नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास दान देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो देना शुरू कर दें। और जब आप दान देने की आस्था दर्शाते हैं, तो आकर्षण का नियम आपको ज्यादा पैसे देगा ताकि आप और ज्यादा दान दे सकें। दान देने और त्याग करने में बड़ा फर्क होता है। दान सुखद भावनाओं से भरे दिल से दिया जाता है, त्याग करते समय अच्छा महसूस नहीं होता है। दोनों को समान न समझें, ये बिल्कुल ही विपरीत है। एक कमी का संकेत भेजता है और दूसरा पर्याप्त से ज्यादा का संकेत। एक से अच्छा महसूस होता है और दूसरे से अच्छा महसूस नहीं होता है। त्याग अंततः द्वेष की ओर ले जाएगा। पूरे दिल से दान देना आपके द्वारा किए जाने वाले सबसे आनंददायक कामों में से एक है, और आकर्षण का नियम उस संकेत को पकड़ लेगा तथा आपके जीवन में उसकी बाढ़ ले आएगा। आप फर्क खुद महसूस कर सकते हैं। जेम्स रे। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं जो ढेर सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन लोगों से उनके संबंध बहुत ही खराब होते हैं। यह असली दौलत नहीं है। आप पैसे के पीछे भागकर अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप दौलतमंद बन जाएंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पैसा दौलत का हिस्सा नहीं है, यह बेशक है, लेकिन यह सिर्फ एक हिस्सा ही है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को भी देखता हूँ जो आध्यात्मिक हैं, लेकिन हर समय बीमार और कंगाल रहते हैं। यह भी दौलत नहीं है। जीवन का मतलब प्रचुरता है। सभी क्षेत्रों में प्रचुरता का होना ही दौलत है। अगर आपको यह यकीन करना सिखाया गया है कि दौलतमंद बनना आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं है, तो मैं आपको कैथरीन पॉन्डर की द मिलियनेयर्स ऑफ द बाइबल सीरीज पढ़ने की सलाह देना चाहूंगी। इन बेहतरीन पुस्तकों से आपको पता चलेगा कि अब्राहम, इसहाक, जैकब, जोसेफ, मोजेस और ईसा मसीह ने सिर्फ समृद्धि के उपदेशक थे, और उन्होंने समृद्धि के ही उपदेश दिए थे, बल्कि स्वयं मिलेनियर थे और इतनी शाही जीवन शैली जीते थे जिसकी कल्पना वर्तमान युग के कई मिलेनियर्स भी नहीं कर सकते हैं। आप साम्राज्य के वारिस हैं। समृद्धि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और जीवन के हर क्षेत्र में आपके हाथ में इतनी प्रचुरता की कुंजी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप हर मनचाही अच्छी चीज के हकदार हैं और ब्रह्मांड आपको वह चीज देगा, लेकिन आपको अपने विचार में, अपने जीवन में इसका आह्वान करना होगा। जब आप रहस्य जान चुके हैं, अब आपके पास वह कुंजी है। कुंजी आपके विचार और भावनाएं हैं। यह कुंजी जिंदगी भर आपके हाथ में ही रहती है। मार्सी श्रीमॉफ। पाश्चात्य संस्कृति में बहुत से लोग सफलता की खोज में जुटे रहते हैं। वे बड़ा मकान बनाना चाहते हैं, वे अपने व्यवसाय में सफलता चाहते हैं, वे तमाम बाहरी चीजें चाहते हैं, लेकिन हमने अपनी खोज में यह पाया है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन बाहरी चीजों के मिलने के बाद वे सचमुच खुश हो जाएंगे, जो उनका लक्ष्य है। हम इन बाहरी चीजों का पीछा यह सोच कर करते हैं कि उनके मिलने के बाद हमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन यह मामला उल्टा है। आपको पहले अंदरूनी खुशी, अंदरूनी शांति, अंदरूनी भविष्य दृष्टि की ओर जाना होता है। इसके बाद ही तमाम बाहरी चीजें प्रकट होती हैं। हर चीज जो आप चाहते हैं अंदर का काम है। बाहरी जगत परिणामों का संसार है। यह आपके विचारों का परिणाम है। आपके विचारों की फ्रिक्वेंसी को खुशी पर सेट कर लें। अपने मन में खुशी और आनंद की भावनाएं भर लें और अपनी पूरी शक्ति से उन्हें ब्रह्मांड की ओर भेजें। ऐसा करने पर आपको यह धरती स्वर्ग जितनी सुंदर लगने लगेगी। रहस्य संक्षेप। दौलत को आकर्षित करने के लिए दौलत पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप पैसे की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके जीवन में ज्यादा पैसा आना असंभव है।
अपनी कल्पना का उपयोग करने से मदद मिलती है। यह कल्पना करें कि आपके पास वह सारा पैसा है जो आप चाहते हैं। दौलतमंद होने का खेल खेलने से आप पैसे के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। जब आप इसके बारे में बेहतर महसूस करेंगे तो आपके जीवन में ज्यादा पैसा प्रवाहित होगा। इसी वक्त खुशी महसूस करके जीवन में पैसा लाने का सबसे तेज तरीका यही है कि अपने विचारों में सकारात्मकता लेकर आए। यह इरादा बना लें कि आप अपनी पसंद की हर चीज की तरफ देखकर यह कहेंगे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इस तरह आप अपनी सोच को बदल लेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। अपने जीवन में ज्यादा पैसा लाने के लिए पैसा दान करें, और जब आप पैसे के साथ उदार होते हैं और दूसरों को दान देते हैं उस समय आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड में यह संकेत भेजते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। डाक में चेक मिलने की मानसिक तस्वीरें देखें। अपने विचारों के तराजू के दौलत वाले पल्ले को भारी रखें। दौलत के बारे में सोचें।